कई महीने पाकिस्तान में रहने के बाद अब अंजू भारत लौट चुकी है। हालांकि जिस दिन अंजू पाकिस्तान से वापस भारत आई तब उसने ना ही मीडिया से बात की और ना ही उसने किसी से भी अपने आगे के प्लान के बारे में कुछ भी बताया। लेकिन अब अंजू ने पाकिस्तान में अपने अनुभव को साझा किया है और उसने ये भी बताया है कि वो आगे क्या कुछ करने वाली है। अंजू ने अपने पाकिस्तान वापस लौटने और पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह से शादी के सवालों को लेकर भी जवाब दिया है। अंजू ने बताया है कि नसरुल्लाह शादीशुदा नहीं है और पाकिस्तान जाने से पहले अंजू कई सालों से नसरुल्लाह और उसके परिवार के सभी सदस्यों के साथ बातचीत किया करती थी। अंजू का कहना है कि कई सालों से नसरुल्लाह से बातचीत वो किया करती थी, इसलिए उसे पाकिस्तान जैसे देश जाने में भी कोई डर नहीं लगा। एक इंटरव्यू के दौरान अंजू ने कहा है कि पाकिस्तान जाने से पहले उसने अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से इस बात को साफ कर दिया था कि नसरुल्लाह चाहे तो अपने पसंद की लड़की से शादी कर सकता है। नसरुल्लाह से शादी को लेकर अंजू अब तक चुप्पी साधे हुए रहती थी, लेकिन अब अंजू ने साफ कर दिया है कि उसने नसरुल्लाह से शादी कर लिया है और उसने अपना धर्म भी बदल लिया है और उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। आपको बताएं तो इससे पहले जब भी अंजू से नसरुल्लाह से शादी को लेकर सवाल पूछे जाते थे वो चुप्पी साधे रहती थी और इसको लेकर वो अपना इसे निजी मामला बताया करती थी। लेकिन अब पहली बार अंजू ने नसरुल्लाह से शादी की बात को मीडिया के सामने कबूल कर लिया है। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों के लिए वापस पाकिस्तान से भारत लौटी है। वहीं अंजू ने अपने पाकिस्तान वापस जाने के सवाल को लेकर भी जवाब देते हुए कहा कि वो बच्चों के साथ रहेगी, अगर बच्चे भारत में रहते हैं तो वो भारत में रहेगी। अंजू ने ये भी बताया है कि अगर वो भारत में रहती है तो नसरुल्लाह भारत आएगा। जानकारी के लिए आपको बताएं तो कई महीनों के बाद इसी साल नवंबर में अंजू पाकिस्तान से वापस भारत आई थी और अपने भारत लौटने के बाद अंजू ने मीडिया से कोई बात नहीं की थी और मीडिया के कैमरों से वो बचती हुई भी नजर आई थी। अब से पहले अंजू ने ये भी बताया है कि अगर उसके पाकिस्तान जाने को लेकर मीडिया में इतनी चर्चा नहीं हुई होती तो वो वीजा की अवधि नहीं बढ़वाती और वो एक महीने में ही पाकिस्तान से भारत वापस लौट आती।